हाँ जी बाबा, पूरी में सुना आधा दाम आधा रही है, आधा में रैयत। जाम माने राजा और रैयत माने प्रजा। बाप आकर जो राजा ही स्थापन करते हैं, उस राजा ही में ये मजा है कि आधे में राजा का परिवार पलता है और आधे में सारी प्रजा पलती है। बाप आकर के राजयोग सिखा करके राजा बनने का पुरुषार्थ कराते हैं, प्रजा योग नहीं सिखाते। आएंगे हाँ, ब्रह्मा है ये राज बैठ के समझो। और इसमें मेरा दो प्रश्न है। एक तो ये है, सकाल एक राज साकार में है और साकार उनका मुंह से जो पानी निकला है उसमें शुक्र उपनवासी ब्रह्मा को जिक्र करने का कारण क्या है? शुक्रवतनवासी ब्रह्मा को लाने के लिए शुक्रवतनवासी ब्रह्मा को बदलता नहीं पाएंगे बोला ना जी। तो ब्रह्मा तो बहुत साधारण मौजूद थे, जब साकार में था तो सूक्ष्म वतनवासी नहीं था। माना ब्रह्मा दो है ना, एक सूक्ष्म वतनवासी और एक प्रजापिता ब्रह्मा। दादा लेखराज को तो टाइटल मिला हुआ था प्रजापिता का, असली नहीं था। तो उसने ये कहा है और ब्रह्मा कुमार स्कूल में है तो ब्रह्मा भी स्कूल में है, साकार में चाहिए। हाँ जी, तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा एक सत्र में कहा है व्यक्ता में अभी भी सहारा है, तो साकार अकेला नहीं है और तो प्रजापिता ब्रह्मा तो उससे हमें पता लगा जो असली का प्रजापिता ब्रह्मा है और 1970 से पढ़ा गया। लेकिन उसका पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा सब करते तब दादा अभी हमको पता लग रहा है, दादा लेखराज और राजीव गांधी प्रजापिता ब्रह्मा का रोल पा रहा है। हाँ जी, और अभी आपने क्लास में कहा सतपुत्र और कपूत जो है सतपुत्र और कपूत सदगुरु कपूत कपूत बच्चे हैं कपूत बच्चे क्या अभी है कि सभी सदगुरु बच्चे हुआ सभी धर्म के कपूत आज है या जो सपूत में जो बाबा के कहने को कहते हैं सपूत कहा जाता है। सपूत का मतलब सारी क्वालिटी है। पूत माने पुत्र, पूत माना पवित्र। जो पवित्र रहने वाले बच्चे पवित्रता का अंजाम करते हैं, बाप के सामने पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और उसको वफादारी से निभाते हैं, फरमान बरदार हैं, ईमानदार हैं, उनके लिए बोला वो सपूत हैं। 8 ही तो हुए। और हम घर में आपके रहने वो 8 नहीं खाएंगे सभी खाएंगे।
हम चाहेंगे तो क्यों कहेंगे सम्राट झंडा से किस तरह होंगे और किस तरह मैंने सजा भोगना पड़ेगा। साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा। किस तरह सजा किस तरह होगी किस तरह होगी? ऐसे ही समझो जैसे जेल में पिटाई सुनाई होती है। हो गया तो किस तरह जेल में है बताया तो हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। ऐसे बोलते हैं जैसे खाई नहीं है किसी कलप में सजा। हाँ मुली ने कहा एक बार माफ दो बार माफ बार बार नहीं माफ होगा ठीक है। बाबा को जब पोता मेल देंगे हम तो परसेंटेज घटता जाता है। पहली बार पोता मेल दिया तो पूरा आधा माफ हो गया। दूसरा बार दिया तो थोड़ा परसेंटेज कम हो गया। पूरा आधा माफ नहीं होगा। और तीसरी बार दिया तो और परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन बाबा जब कोई बार बार पाप करते करते उसका बोझा 100% ही चढ़ता जाएगा फिर वही तो बार बार गलती करे तो बार बार थोड़ा ही माफ होता रहेगा। कोशिश तो करते हैं कंट्रोल करने के लिए है? और याद करते हैं कोशिश करते हैं फिर भी गलती हो जाता है। बताना चाहिए तो आगे बढ़े नहीं। वो अभी जो बोला मौली ने मौत का बजा लगेगा तब जब स्थापना हो जाएगी तब ऐसा नहीं देखे बजा लगेगा। और क्या और बाबा प्रतीक्षा करते हुए डर क्यों लगता है? ये आत्मा की कमजोरी है तो डर लगता है। हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद मिलेगी डर नहीं लगेगा। ब्रह्मा की आत्मा जब छाती बन जाएगी हैं? ब्रह्मा की आत्मा जब छाती बन जाएगी तो बड़े बड़े भगवान आ जाएंगे। बड़े बड़े भगवान आ जाएगा। भगवान जो बात बोला है बेसिक में ही बड़े बड़े धनवान है क्या? बेसिक में और दुनिया में ऐसे बड़े बड़े धनवान नहीं होंगे। गांधी मरा कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जाकर राजकोट में जन्म लिया तो धनवान नहीं होगा। और उनके लिए क्या इस दुनिया में जो आत्मा की आत्माएं है उनके लिए बोला गया जो अभी जो पॉइंट बोला कि दुनिया की आत्मा जब संपूर्ण बन जाएगी तो बड़े बड़े भगवान आ जाएगा। दोनों दुनिया के लिए लागू है ना। ब्रह्मा की आत्मा कब संपूर्ण बन जाएगी कब नहीं बन जाएगी वो तो है ऑब्जेक्ट की बात वो पता ही नहीं चलेगी। लेकिन तुम बच्चे तो साकार में हो तुम्हारे ऊपर सारा दुनिया टिकी हुई है या सूक्ष्म वतनवासी आत्माओं के द्वारा दुनिया टिकी हुई है? हाँ तुम्हारी तब जीत हो जाएगी। जब तुम्हारी जीत हो जाएगी तो बड़े बड़े सन्यासी और बड़े बड़े राजाएं निकल पड़ेंगे सहयोगी बन करके। एक हर कदम में बाप से सीमत लेना है तो कोई काम करने के पहले बाप से सीमत लेना है तो ऐसा तो सारे समय तो होने चाहता कोई इमीडिएट कोई कोई काम करना है अभी अभी करना है तो बाबा की याद करके जब करा है बुद्धि से ये एक बात एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट करके सुनकर तो जब रहते हैं हम लौकिक दुनिया में कोई ना कोई तो समझना करना ही पड़ता है तो उस समय बाबा की याद करते हैं जो बुद्धि से मानते नहीं फिर भी करना ही पड़ता उस समय क्या होगा बाबा से सीमत लेने पड़ते नहीं समय नहीं मिलता।
जो रोज क्लास करता रहेगा, कभी क्लास मिस नहीं करेगा, रोज ईश्वरीय सेवा में लगा रहेगा, तो सर्वकेवल बच्चों को बाप खुद याद करता है, ऐन मौके पर याद करता है और उनकी बुद्धि में टच होता है। वो बच्चे भी बाप को याद करते हैं कि ऐसे में हम क्या करें, टटोलते हैं, बाप क्या पसंद करेगा, ऐसा करेंगे तो पसंद करेगा या नहीं करेगा। मुरली क्या कहती है, तो कदम कदम पर श्रीमत लेना नहीं हुआ क्या? और जो रोज क्लास ही नहीं करेंगे, दूसरी आत्माओं की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, अपने ही धंधे धोरी में लगे हुए, तो वो कदम कदम पर श्रीमत ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। और जोर से बोलो, यो बाबा और पूजा पिता अलग अलग व्यक्तित्व है, यो बाबा, बाबा किसको कहा जाता है, बाबा किसको कहा जाता है नहीं मालूम? साकार और निराकार के मेल को ही बाबा कहा जाता है। प्रजापिता ही साकार है और वो बाबा नहीं है, क्या है? बाप है, मनुष्य शक्ति का। बाबा कब कहा जाता है? जब उसमें निराकार ज्योति बिंदु शिव सदा शिव प्रवेश करता है और ये हमारी बुद्धि में बैठ जाता है, क्या कि यही हमारा मनुष्य शक्ति का बाप है, इसी में ही मुकर्रर रूप से परमात्मा शिव का वास है। तो प्रजापिता और शिव दोनों का कम्बिनेशन है शिव बाबा। प्रजापिता से शिव बाबा अलग नहीं है, जब कहते हैं शिव बाबा तो शिव की तरफ बुद्धि जानी चाहिए, प्रजापिता की आत्मा की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए, बुद्धि में ये आना चाहिए कि इसके द्वारा बोलने वाला डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, ब्रह्मा या प्रजापिता हमको डायरेक्शन देने वाला नहीं है। और अमरनाथ किसका यादगार है, सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु की यादगार है, निराकार परमात्मा सिर्फ जब साकार स्थल में आकर के मैंने पाठ कर रखे है, सिर्फ संबर का स्वरूप का यादगार है। नाथ माने क्या होता है, नाचने वाला, तो नाचने वाला साकार होगा या बिंदु होगा, साकार निराकार बिंदु होगा, नाचने वाला है वो निराकार होगा या निराकार जब साकार बनेगा तब नाथेगा, नथनिया डालेगा, जब साजन बनेगा तभी तो नथनिया डालेगा। सजनी को साजन नथनी डाल देता है ना, बैल को जब खेती में काम लिया जाता है तो क्या डाल देते हैं, नाथ डाल देते हैं, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, नवनाथ प्रसिद्ध है, तो साकार में सारा कार्य होता है जो गायन में आता है। स्वामी नारायण का बहुत यादगार है, स्वामी नारायण और अक्षरधाम में बड़ा यादगार है, तो
तो उसका जीवनी में दिखाया हुआ उसने ऐसे ऐसे किया है, तो वो जन्म बाबा का कोई एक जन्म होगा तो दिखाया वो मिर्जा भी करा। वो तो भक्ति मार्ग में आज से 500 साल पहले नारायण जो दिखाए गए हैं अहमदाबाद में वो उसके उस समय की यादगार है। माना कलयुग का मध्य जब आता है तो उस समय स्वामी नारायण प्रत्यक्ष होता है। वो शूटिंग की यादगार है। स्वामी नारायण मंदिर बहुत पुराना नहीं है, बहुत भव्य मंदिर बनाते हैं, चमक दमक ज्यादा कर देते हैं। है जगन्नाथ का मंदिर है, जगन्नाथ के मंदिर में रथ मेला जो लगता है, तो रथ मेला में जब रथ का मैंने पकड़ते हैं तो जाते हैं मंदिर में जो इसलिए के लिए, तो रथ ऐसे नहीं चलता है बाबा, जब गालियां देते हैं तब रथ चलता है। तो अभी गालियां मिल रही होंगी, आराम ज्यादा कैसा करता है, कैसा करता है, वैसा करता है, तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता होगा। भगत लोगों की समझ में थोड़ा ही आता है, उनकी समझ में ये थोड़ा ही होता है कि साधारण तन में आता है, साधारण तन में आवेगा तो साधारण कर्म ही करेगा, जैसे का हम कर्म करते हैं ऐसे भगवान भी आकर के वैसे ही कर्म करता है, ये बुद्धि में नहीं आता है। भगवान को भगत लोग बहुत ऊंचा समझते हैं और भगवान तो साधारण रूप में आता है, तो न समझ पाने के कारण गालियां देते हैं। और मंदिर जैसा वातावरण कैसे हो घर पे? है घर पे मतलब मंदिर जैसा वातावरण कैसे हो? जैसे जैसे श्रीमत दी है वैसे ही चलते रहेंगे तो मंदिर जैसा वातावरण बना रहेगा। श्रीमत की जहाँ बरखिलाफी की और वातावरण खराब होगा। जो है आश्रम है आएंगे जो किसके बच्चे का जन्म होगा 2036 में और तब तो महाप्रयास होने वाला है, तब हम लोग जो आत्मा सब मैंने जो ये होगा खाली सारे का लाभ रहेंगे जाएंगे। अगर 4.5 लाख रहेंगे तो जो सतयुग की पहली डायनेस्टी होगी उसमें जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 9 लाख हो जाएगी। माने राधा कृष्ण जैसे बच्चों की बढ़ोतरी नहीं होगी 36 तक, और जो बढ़ोतरी होगी वो सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों में से होगी या दूसरे वंशियों में से भी होगी? सूर्यवंशी चंद्रवंशियों में से होगी। फिर हम लोग तो अवतार कैसे आएंगे? हाँ जी, जो सत्य की पहली डायनेस्टी होगी उसमें फिर और बढ़ती बढ़ोतरी होती रहेगी, टोटल 9 लाख आबादी होनी है। तब तक आप घर में रहेंगे ना? है तब तक तो रहना है ना? आप और बाप, बाप बाप नहीं साकार में मनुष्य सृष्टि का रहेगा तो कौन रहेगा? और देवकिया जसोदा का जो पाठ सिखाया बताइए क्या करती क्या देवकी कौन है संबंधित में आप जसोदा कौन है देवकी का गायन नहीं है, उतनी महिमा नहीं है देवकी वसुदेव की, क्योंकि वो विकारों की जेल में पड़े रहे और कृष्ण विकारों की जेल से बाहर आ गया, तो कृष्ण का गायन है, उनके माँ बाप का गायन नहीं है। उनके माँ बाप से ज्यादा गायन तो नंद और यशोदा का है जिन्होंने उनकी पालना की।
अंश से सुरक्षा की। उनका गायन जाती है, नाम ही है यशोदा। क्या दा? यशदा। आप ऐसा नहीं दिया, जो भी यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, महिमा देते हैं, कृष्ण के पिसारी पीछे कंस पड़ा, तो कंस है और कंसी संप्रदाय तो ग्लानी ही करेंगे। और यश देने वाले यशोगान करेंगे। यश देने वाली जो होगी वो कभी अपयश देने वाली नहीं बन सकती। जो कभी अपयश नहीं देगा, यश ही देगा, वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा? नारी से लक्ष्मी बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अमृत बेला सुधारने के लिए जैसे किसी की कारखाने में नौकरी लग जाती है और नाइट ड्यूटी लगती है तो अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं? तो ऐसे ही नाइट ड्यूटी लगा लो। है उठना मुश्किल होता है, तो कोई बात नहीं। तो जैसे हॉस्पिटल में कोई घर का अजीज होता है, अजीज भांति बहुत बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो घर के सारे सदस्य जगते हैं या नहीं जगते हैं? है? क्या करें, माने यही करें, हॉस्पिटलाइज कर दें? बाबा तो रोज ही जगाते हैं, आवाज सुनता है, बहुत आवाज है। लेकिन अलबेलापन वो करके फिर सो जाते हैं। और ठीक है। हाँ बोलो ना, पूछो। इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार क्यों करना पड़े, इंतजाम करो। इंतजार करने के लिए बोला है या विजय माला का आवाहन करने के लिए बोला? फिर फिर इंतजार करना है। और तो जैसे हम बस ये सोच रहे हैं कि ये हमारा शरीर है, वैसे इनिशिएटिंग पार्टी की आत्माएं भी सोचती हैं क्या? ये हमारा घोड़ा है और क्या है, वो भी तो समझते हैं कि ये हमारा घोड़ा है, क्योंकि सूर्यवंशी आत्माएं अंतिम जन्म में आके जास्ती कमजोर पड़ जाती है। और धर्म के पावरफुल होते हैं, चाहे चंद्रवंशी हों, इस्लामवंशी हों, बौद्धी वंशी हों, धन संपत्ति में भी पावरफुल, राज्य में भी पावरफुल, समाज के संगठन में भी पावरफुल, हर तरीके से पावरफुल होते हैं। इसलिए वो अपने रथ पर आमादा हो जाते हैं।
शंकर पर चंद्रमा की जब तक सवारी है, चंद्रमा माथे पर सवार है ना? अधूरा चंद्रमा माथे पर सवार है या संपूर्ण? अधूरा चंद्रमा माथे पर सवार है, फिर वो पासा पलटना चाहिए, क्या होना चाहिए? बैल शंकर के ऊपर सवार होना चाहिए या शंकर को बैल के ऊपर सवारी करनी चाहिए? इसलिए मुरली में बताया है, हाई जंप लगा करके सवारी करते होंगे बैल के ऊपर। और साधु जी, रास करने वाला वही होंगे जो संगम पर बाप के साथ समान सोच पर मिलाने का रास मिलाई होगी। हाँ जी, तो हम यही पर बैठे हैं, इसका रास्ता जब है क्या? बैठे बैठे आ रहे हैं, थोड़ी ही रात कहा जाता है। मिलने को भी रास नहीं कहा जाता है, रास कहा जाता है उस रहस्य को जिस रहस्य के आधार पर आत्मा बाप समान बनती है। समान संस्था मिलने का, बाप समान बनती है माने बाप समान सेवा हो, बाप समान पुरुषार्थ हो, बाप समान दृष्टि वृत्ति हो, बाप समान वाचा हो, बाप समान कर्मणा हो। और मुनि ने कहा देवी से एक ही है जो एक ही है, तो यहाँ पर एक ही में 83 में 13 होना चाहिए और 94 में 84 घंटा देविया, उसका गांव 89 में 9 देविया का समर्पण, तो उसने ये देवी का क्या काम है? ये देवी के एक ही, देवी से एक ही है, इंस्पिरेट करने वाली है, इंस्पिरेटिंग करने वाली इंस्पिरेटिंग पार्टी की देवी एक ही है, मनोम राधे। वो 9 देवियों के द्वारा सारी कराती है, जिनमें प्रवेश करती है वो तो तमो प्रधान है, उनमें प्रवेश करके उनको उमंग उत्साह भरती है। और भारत का राज्य किसके मुंह में है? भारत का राज्यों का आपने बोला है, जो राज्य भारत का जो राज्य किसके मुंह में है? अहमद है। कौन से समय की बात है फेमस होने की है? वो तो शास्त्रों में महसूस, शास्त्रों में जो बात दिखाई गई है वो विख्यात होने की बात है, बाकी हिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री तो 2500 साल की ही मौजूद है। रुद्रमाला के मणके, रुद्रमाला के जो मणके हैं वो नंबर वार हैं, जो नंबर वार मणके हैं उनमें से कोई कीट और कीरो भी बने हैं। विदेशी विद्वान जिन्होंने ये रिसर्च करके पहले ही निकाल दिया कि गीता का भगवान कोई निराकार था, निराकार के बदले कृष्ण उपासकों ने उसमें कृष्ण का साकार नाम डाल दिया, एक एक श्लोक के ऊपर लिख दिया भगवान कृष्ण भगवान हुआ, जो कि रंग साबित होता है, क्योंकि गीता में ऐसे अनेकों श्लोक आए हैं जो अव्यक्त साबित करते हैं।
रुद्रमाला के मण के बीज रूप स्टेज वाले हैं, जो बीज रूप स्टेज वाले होते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण होगी, या जो साकारी होंगे उनकी बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण होगी। कहाँ बीज और कहाँ पत्ते, कहाँ टहनियाँ, अंतर तो होता है ना, और कहाँ जड़। हैं? हाँ, चंद्रवंशी होंगे तो उससे होंगे। रुद्रमाला में चंद्रवंशी मणके नहीं है? जो चंद्रवंशियों के बीज हैं वो रुद्रमाला में नहीं है क्या? है? तो वो यही सोचेंगे कि भगवान का असली रूप तो कृष्ण है, कृष्ण की आत्मा ही माता में प्रवेश करती है, वो जगदम्बा ही भगवान का पाठ बजाती है। इंस्पिरेटिंग पार्टी की जो आत्माएं प्रवेश करती है, इस प्रवेश करने वाली तो जड़े हैं, और जिनमें प्रवेश होता है वो बीज हैं। जड़ें कैसे सोचेंगे, वो तो जड़ बुद्धि है। उनका नाम जड़ क्यों रखा गया? जड़ माना आधार मूर्त, उद्धार मूर्त नहीं है, उनका आधार लिया जाता है। और कौन सा मतलब श्रेष्ठ मार्ग है प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है? ये अभी तक पूछने की बात रह गई तुम्हारे लिए? है भगवान आकर के लक्ष्मी नारायण बनाते हैं तो लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के? भगवान निष्कष्ट मार्ग बनाता है या उत्कृष्ट मार्ग बनाता है? और दुर्गा का पूजन होता है दुर्गा देवी, तो बीच में दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती साथ में कार्तिक का नहीं, लेकिन हम तक शिक्षंबा का फोटो ऊपर में लगा रहते हैं, शिक्षंबा को फोटो के रूम में क्यों रखते हैं? क्योंकि देवियों को, देवियां तो देवियां हैं, कोई विधवाएं थोड़े ही हैं, देवियां शक्तियां हैं ना, तो शक्तियां किसकी हैं ये तो पता चले, किसकी शक्तियां हैं? शिव की शक्तियां हैं, इसलिए वो चित्र रखा रहता है। दाढ़ी मूंछ में जान की पूजा नहीं होती है? हाँ जी, शंकर को भी कहीं दाढ़ी मूंछ दिखाया गया, इसलिए हम लोग में क्यों पूजा होती है उनकी? क्योंकि वो दाढ़ी मूंछ होते हुए भी वो अंदर से बाप का प्यार एक और बाहर से दूसरा है, बाप के प्यार की गुह्य गति है, बच्चे पहचान नहीं सकते, वो अंदर से निराकारी है और बाहर से साकारी है, प्योरिटी की पूजा होती है, दाढ़ी मूछ की ही बात नहीं है। और दाढ़ी मूछ का चित्र जो बनाया है काला काला भयंकर, वो भक्तों ने बनाया है, इसलिए मुरली में बोला है शंकर को ऐसे दिखा दिया है चित्रों में जैसे रावण। और जैसा पुरुषार्थ किया वैसी डायनेस्टी हुई, पुरुषार्थ जिन्होंने श्रेष्ठ किया, जिन्होंने श्रेष्ठ को फॉलो किया वो श्रेष्ठ बने, जिन्होंने निष्कर्ष को फॉलो किया वो निष्कर्ष बने। कोई काम है ये यहाँ संगम युग में सारा क्लियर हो जाएगा।
दादा जी का कोई काम होता है तो संगम युग में यहाँ सारा क्लियर हो जाएगा। कौन दास दासी है, प्रैक्टिकल में देखने में आएंगे, शस्त्र लगा के खड़े रहेंगे, चवर डुलाएंगे, पंखा करेंगे, पाँव पखारेंगे। मैं कर्मजोगी हूँ, कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ अर्थात परम पिता सेवा अर्थ कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ ईश्वरीय सेवा अर्थ कर्म कर रहा हूँ, तो डबल कमाई होता रहेगा। सदा यही संकल्प स्थिति में रहे, मैं डबल कमाई करने वाला हूँ, तन और मन डबल कमाई करते रहेंगे, शुद्ध धन भी आता रहेगा और मन द्वारा अविनाशी धन भी जमा आता रहेगा। सिर्फ संकल्प करने से ही आता रहेगा, सिर्फ संकल्प कोई करे और प्रैक्टिकल ना करे तो काम संपन्न हो जाएगा? संकल्प करने से ही नहीं होगा, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों इकट्ठा पुरुषार्थ करने से रिजल्ट जल्दी निकलता है। कोई सिर्फ संकल्प करता रहे और वाचा और कर्मणा का कोई पुरुषार्थ न करे तो लंबा टाइम लग जाएगा। और हो गई ना तीन आत्माएं। कहते हैं दीपी जब षष्ठी आरंभ हुई तो दीपी और अदिति नाम की दो माताएं थी कश्यप को, दीपी से दैत्य पैदा हुए और आदिति से देवता अद्वैत पैदा हुए। आदिति से जो अद्वैत पैदा हुए उनको माया ने उतना हस्तक्षेप नहीं कर पाया और द्विति से जो दैत्य पैदा हुए उनको माया हस्तक्षेप करती रही। तो तीन का पति कहा जाता है, मायापति, लक्ष्मीपति और सीतापति। हाँ जी जी, चौथा है वो नौ जो बताए जाते हैं, जो नवग्रह बताए जाते हैं उन नवग्रहों में से एक ग्रह है वैल्यूलेस, नौवा रतन वैल्यूलेस कहा जाता है, पुखराज, जिसकी वैल्यू ही नहीं है तो वो आठ के साथ रखा जाएगा या चार के साथ रखा जाएगा, कहाँ रखा जाना चाहिए? वो उसका कर्म चार के अनुकूल होगा या आठ के अनुकूल होगा? चार के अनुकूल होगा, इसलिए उस लिस्ट में रख दिया गया। आर्य समाज में तीनों का बीज समाया हुआ है। आर्य समाजी जो होते हैं वो हर धर्म से कन्वर्ट होते 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 अंत में आकर के आर्य समाजी बन जाते हैं, जो नास्तिकों का बीज है, आधे नास्तिक हैं। भगवान को तो मानते हैं लेकिन साकार में नहीं मानते। भगवान
नरको आकर के नारायण बनाता है, ये नहीं मानते। नर में प्रवेश करता है, माना देवता रूप को नहीं मानते, तो उनका मानना न मानना बराबर हो जाता है, क्योंकि वो किसी से श्रीमत नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान के रूप को मानते ही नहीं साकार में, तो खुद ही भगवान बन के बैठ जाते हैं। एकदम खास बना भी कर सब आत्माएं इच्छा दिन में परम धर्म हम लोग के पांच तत्व शरीर कैसे हो जाए। जैसे रिकॉर्ड की सुई होती है, पुराने जमाने में लाख का बना हुआ बड़ा रिकॉर्ड होता था, तवा जैसा, और उसके ऊपर सुई रखी जाती थी, तो समय की सुई जैसे जैसे घूमती जाती है वो आत्मा का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक खुलता जाता है। अभी संगम युग में हम सब आत्माएं 5000 वर्ष का रिकॉर्ड अपने अंदर भर रहे हैं। जैसे जैसे जिस टाइम पर वो रिकॉर्ड घूमता जाता है, हमारी आत्मा वैसा ही पार्ट बजाती जाती है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मा जब आकर्षित होती है साकार सृष्टि की तरफ, तो पहले पहले वो आकर्षण में नहीं होती है, आकर्षण में आने वाली नहीं होती है, अटैचमेंट वाली नहीं होती है, और जैसे जैसे देह के अटैचमेंट में आती जाती है वैसे वैसे उसमें कमी आती जाती है, और गर्भ का जन्म नीचे गिरता जाता है। देह का सुख भोगते भोगते अटैचमेंट देह में बढ़ जाता है, आत्मा अपने को देह समझ लग पड़ती है, इसी से सारा परिवर्तन होता जाता है। शिव बाबा नहीं प्रवेश करते, शिव बाप प्रवेश करते। किस में प्रवेश करते? हाँ, साकार का निराकार का जो मेल है वो बच्चों में प्रवेश नहीं कर सकता। मुरली में तो वो अव्यक्तवाणी में तो बोला है, आगे चल करके तुम बच्चे भी ब्रह्मा की तरह दूसरे के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजावेंगे। तो उस श्री बाबा तो सुना है, मुरली में सुना है श्री बाबा का प्रवेश होता है, तो इसमें तो कोई तो साकार भाव तो नहीं होता वहाँ पर, बाबा का प्रवेश नहीं होता, बाप नहीं कहा था, बाबा सुना है। इसलिए होता है कि बोलने वाला जिसके द्वारा बोला जा रहा था वो ब्रह्मा खुद ही नहीं समझता था बात को। अभी तो मुरलियों में जो बातें जिस तरह बोली गई हैं और जो क्लैरिफिकेशन मुरलियों में दिए गए हैं उनके आधार पर ये साबित होता है कि निराकार जब साकार में प्रवेश करता है तभी ही बाबा कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा कहते हैं तो चित्र किसका रख देते हैं ना? जब शिव बाबा कहते हैं जो तो 32 किरणों वाला चित्र रख देते हैं,
उसमें 32 गुण लिखे हुए हैं, वो गुण साकार के होते हैं या निराकार के होते हैं? साकार के, वो तो इस बात को जानती नहीं, तो अनजाने में ये भूल हुई है। और बाबा ऐसा सुना मूली में अच्छा अच्छा बच्चा थे, ये मामा बाबा को ड्रीम करा सकते, तो जहाँ पर मामा बाबा तो उन्होंने सरस्वती और ब्रह्मा बाबा तो था, लेकिन 42 का पहले, 42 का पहले अगर ओमनाथ सरस्वती हो जाएगा तो ओमनाथ सरस्वती तो उस वक्त नहीं होगा, 42 का पहले उस वक्त मामा बाबा कौन होता, 42 का पहले आदि में 42 के पहले की ही बात बताई है कि अच्छे अच्छे बच्चे बच्चियां जो मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाते थे, माना ओम राधे प्रजापिता के शरीर छोड़ने से पहले ही आ गई थी। तो मम्मा बाबा कैसे साबित होता? मम्मा बाबा, हम बच्चे कहते हैं ना मम्मा बाबा को, मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती को प्रैक्टिकल तो बाद नहीं होगा, मम्मा बाबा ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाते थे, तो मम्मा बाबा जो ब्रह्मा सरस्वती उनको भी ड्रिल सिखाते थे। उस समय कोई नहीं जानता था कि हमारे मम्मा बाबा, वो तो अभी की बात बता रहे कि अभी तुम उनको कहते हो मम्मा बाबा, ब्रह्मा सरस्वती को, ओम राधे को, दादा लेखराज को, दादा लेखराज को, ओम राधे को ड्रिल सिखाते थे। आज वो बच्चे हैं नहीं, तो अभी तो जाता फटने का पहले ही ओम राधे सर कुछ आ गई। हाँ जी, हाँ आत्मा जाओ में रहता है कहाँ रहता है, उसका स्पंदन क्या है? अरे नसें नाड़ियों का कनेक्शन है कि नहीं शरीर में? है? है? राजा गद्दी पे बैठता है, सारे राज्य को कैसे चलाता है? चलाने वाले मीडिया है या नहीं है? ये भी 16,000 नसें नाड़ियां है या नहीं है? तो सारी शरीर का कंट्रोल होता है उनके द्वारा। तो नसों नाड़ियों में 108 मुख्य हैं, 108 में भी 8 मुख्य हैं। जी आत्मा जो रखा है उसका नाम क्या है? जहाँ पर आत्मा है ब्रकुटी। तो और रामबा जी आत्मा के जो धन है क्या सदा समय के लिए वो उसका जो कर्म लिए है वो ठीक करता है? मुरली में क्या बोला है पूछने से पहले ये देखें कि मुरली क्या बोलती है इस संबंध में। मुरली क्या कहती है कि हम सदा ये समझें कि इसमें शिव बाबा रहता है या नहीं रहता है? क्या समझने से हमको फायदा होगा और क्या समझने से नुकसान हो जाएगा? है? अगर समझेंगे कि सदा ही शिव बाबा है, क्योंकि कब आता है कब जाता है पता तो चलता नहीं, तो हमारा फायदा है। अगर ये समझेंगे कभी आता है कभी जाता है, तो कभी समझे इसने डायरेक्शन दिया, कभी समझे शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। बाप कहते हैं मैंने जो रथ लिया है उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, रिस्पॉन्सिबल मैं हो जाता हूँ। तुम सदैव ऐसे ही समझो, ये शिव बाबा ही बोलता है। बोला
जरा पाल लगा तो यहाँ के द्वारा यहाँ माने कहाँ बेसिक नॉलेज में अभी तक काम नहीं चल रहा है स्थापन का, ब्राह्मण नहीं बन रहे हैं, फिर यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में भी ब्राह्मण नहीं बन रहे हैं। स्थापना माने बुद्धि में ये बैठ जाए कि हमको पवित्र ब्राह्मण बनना है, ब्रह्मा की औलाद बनना है, ब्रह्मा के नक्शे कदम पर चलना है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को मानना है, ये स्थापना हो गई बुद्धि में। विनाश का कार्य जो है वो जो आसुरी ब्राह्मण है उन आसुरी ब्राह्मणों को हिला देना, उनमें हलचल पैदा कर देना, उनकी बुद्धि को खंडित कर देना, अनिश्चय बुद्धि बना देना, ये विनाश हो गया। पालना जो बचे निश्चय बुद्धि उनकी पालना, है तो मम्मी देना चाहिए, विष्णु जो बनने वाली है तो हमको पालना देने वाला है, कैसे दे? अभी बने कहाँ है? अरे तो जब बनेंगे तभी तो पालना करेंगे। अभी पहले फैसला तो हो जाए तीसरे नेत्र के द्वारा, पहले विनाश के द्वारा ये साबित हो जाए कि कौन स्थापन हुए हैं, किन की बुद्धि स्त्रियम है नंबर वार, और किन की बुद्धि हिलती डुलती है, डोल डाल रहे हैं, टूटने टापने वाले हैं, खलास होने वाले हैं। ये फैसला होने के बाद फिर विष्णु द्वारा पालना हो। तो बाबा शंकर के द्वारा हिला देते हैं तो कैसे हम? तो ब्रह्मा कुमारी हिल नहीं रही है, एडवांस पार्टी में हिल नहीं रहे हैं, तो हमको क्या देंगे डायरेक्शन मारने से हिलेंगे? है जो हिलेंगे उनकी बुद्धि में ज्यादा हलचल होगी, जो अधिक होंगे स्थिरियम होंगे उनकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं होगी, निश्चय बुद्धि विजय थे। हिलने का मतलब है मन से भी हिलेंगे, तन से भी हिलेंगे, धन से भी हिलेंगे, कहीं धन इधर फेंकेंगे, कहीं उधर फेंकेंगे, कहीं उधर फेंकेंगे, तन की ताकत भी कहीं इधर लगा देंगे, कहीं उधर लगा देंगे, कहीं उसको दे देंगे, कहीं उसको दे देंगे, मन भी बिखरता रहेगा, मन कभी इसमें लगेगा, कभी उसमें लगेगा, कभी उसमें लगेगा, एकाग्रता नहीं होगी शक्तियों की, तो जैसे क्षीणता आती जाती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन को आत्मा कहा जाता है। कोई बीमार आदमी होता है और मन से स्वस्थ है, मन उसका दुखी नहीं है, तन से बीमार है, तो उसके जल्दी आराम होने की संभावना रहती है या नहीं रहती है? जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि मन बीज स्वस्थ है, तो मन जो है मूल है, मन के ऊपर सारा मदार है।
और क्या मिट्टी है, निर्जीव शरीर चला रहा है, पांच तत्व जो जड़ तत्व है वो चला रहे हैं क्या? है तपस्या का मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, देह को भूल जाना। देह बांध में रहते हैं तो सुख भोगते हैं, सुख भोगने वाले को भोगी कहा जाता है, तपस्वी नहीं कहा जाता। जो आत्म की स्थिति में है वो देह के सुख को भूला हुआ रहेगा, इसलिए उसको तपस्वी कहा जाता है। कौन बोला? हाँ गऊ कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्र कहते हैं राजा को या चंद्रमा को। गऊओं का राजा कौन है? गऊएं हैं, कन्याएं माताएं, और उनके दिल का राजा कौन है? वो ही गोविंद है, उन्होंने नाम कृष्ण का दे दिया है। हैं? क्या होगा? वो तो नहीं जानते हैं तभी तो बोल देते हैं, आप तो जानते हैं। अच्छा बाबा, नाम को जो जगदम्बा का ये तो इसलिए दिखा दिए हैं कि तुम ये समझो कि उसके हजारों हाथ हैं। ब्रह्मा को हजार भुजा वाला दिखाया जाता है, माने कोई एक शक्ति नहीं है सहयोगी के रूप में, हजारों शक्तियां हैं सहयोगी के रूप में। क्यों नहीं सहयोग देंगी? तो आजकल बाबा एक पॉइंट लेके सबको कंफ्यूज हो रहा है कि वो कंसेप्ट में कि जगदम्बा दैवी शरीर है। वो कहने सुने ना जगदम्बा, तो क्या हुआ? वो तो विनाश की बात है, उसके बाद तो खेल ही खलास हो जाएगा। उस जब संक्षिप्त होगा उस समय देवियों की डूबी जा हो जाएगी या देवियां प्रत्यक्ष होंगी संसार के सामने? हमने बोला था तीन बार जन्म होने से और तीन बार तो हो गया। हाँ तो हो गया, तो क्या अंतर पड़ता है? मतलब अपना का काम हो जाने के बाद का गेट खुलने के बाद। हाँ जी, जगदम्बा ही तो सही बात खुलेगा। हाँ मतलब क्षेत्र में सुना है कि प्रतिमा मेरी खुलेगा, दोनों ही शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ तो दोनों ही हैं, लेकिन इतना नहीं। महालक्ष्मी दोनों ही मिलकर के कही जाती है, कोई एक है महालक्ष्मी? महालक्ष्मी माने चार भुजा है। और फायदा होगा एक साथ पैदा होंगे तो एक साथ रहेंगे भी। एक साथ पैदा होते हैं क्या? नंबर वार पैदा होते हैं, नंबर वार रहते हैं। और बोलने दिया अगर दिखाई नहीं पड़ता कान से। हाँ
जितना गुड़ डालेंगे कहते हैं उतना ही मीठा होगा क्या? जितना तन लगाएंगे इस सूर्य सेवा में तो जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, दुनिया से बैराग आ जाएगा। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो तन और धन की शक्ति जहाँ लगावेंगे वहाँ मन जरूर जावेगा। ऐसे नहीं कोई अपना सारा धन लेकर के बाल बच्चों को बांट दे, सारी प्रॉपर्टी बाल बच्चों को दे दे जो लौकिक दुनिया में चलते हैं, जमीन जायदाद कारखाने सब बच्चों को सौंप दे और ईश्वरी यज्ञ में आकर के सरेंडर हो जाए तो उसका मन कहाँ जाएगा? है जहाँ दे करके आया है वहीं सारा मन चला जाएगा। ईश्वरीय सेवा में उसका मन यूज होने वाला नहीं है। जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल बनेगा। बिनु बैराग विवेक न होई। और आदिम युग से कैसे सृष्टि हो? आदिम युग से हाँ कैसे सृष्टि कैसे मनुष्य कैसे है? मनुष्य होगा मन मैंने पहले हाँ जैसे आदिम युग होता है ना विभिन्न बेच बोला वो आदिम युग होता है कहते हैं मैं इतिहास को नहीं जानते हैं। हम भगवान का इतिहास पढ़ने वाले हैं या मनुष्यों का इतिहास पढ़ने वाले? भगवान ने तो 5000 वर्ष पहले का आदम बताया है। आदम कब हुआ? 2000 साल पहले हुआ, 5000 साल पहले हुआ। हाँ हाँ थोड़ा 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 जो पहला जन्म है जिसमें लक्ष्मी नारायण बनते हैं नर से नारायण वो देह का सुख नहीं भोगते, परसेंटेज में भी नहीं भोगते क्योंकि वाइब्रेशन से संतान पैदा होती है। है इस समय त्रेता में वाइब्रेशन से नहीं होगी संतान। जो सत्युग का पहला जन्म होगा उसमें ही राधा कृष्ण की दृष्टि में डूबेगी और कृष्ण राधा की दृष्टि में डूबेगा। तो आंख जो है वो देह का अंग नहीं है क्या? तो अंग का सुख होगा, आत्मिक स्थिति तो रहेगी लेकिन कुछ परसेंटेज में देह का सुख होगा ना, इसलिए नीचे गिरना होगा।